तो आप लोग देख सकते हैं कि नामांकन की पूरे कार्य को संपूर्ण करके उसके बाद योगेंद्र चंदोलिया जी बाहर की ओर आए हैं। बाहर कार्यकर्ता जो कि इतनी कड़ी धूप में उनका इंतजार कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के बीच में अब वो खड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, आगे की पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से नामकरण का कार्यक्रम था। देश में नरेंद्र मोदी जी का तूफान है, तूफान जल जला है। अगर सेवा की होती तो नरेंद्र मोदी जी दोबारा टिकट दे देते। वो कह रहे थे कि 2014 से 19 तक उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है, अगर सेवा की होती तो नरेंद्र मोदी जी दोबारा टिकट दे देते। आपने काम नहीं किया, काम तमाम कर दिया था। मैं कहना चाहता हूँ देश में नरेंद्र मोदी जी का तूफान है, तूफान जल जला है। 400 पार और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चौका मारने जा रही है। चौका लोग कहते हैं कि हैट्रिक मारेंगे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो 7 सीट जीती थी। 2014 और 19 के अंदर 7 सीट जीती थी। इस बार तो चौका मारेंगे, चौका। जितना जन समर्थन और मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया, पलकों पर बिछा लिया, मैं मेरे देवता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकुमार चौहान जी की वीडियो देख लेना और उस पर बड़ी मोहर लगा दी है अरविंद सिंह लवली ने। लवली साहब भी छोड़ गए हैं। ये जो नापाक गठबंधन है, ये नापाक गठबंधन ऐसे रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपने जितने उत्साह से मेरा नामांकन पत्र भरवाया है, उतने ही उत्साह से कल मोदी जी का जो संदेश है, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना और कहना मोदी जी ने राम राम भेजी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।